आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस बैकग्राउंड को आपको 10-15 सेकेंड के आसपास कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को इसे आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो आपका फुल साइज में हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट पर आना है और बैकग्राउंड में जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और वीडियो को आपको 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है। तो मैं वीडियो को 1 से 2 बार प्ले कर देख लेता हूँ। 1.0 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आगे तरफ हम करेंगे और यहाँ पे देखिए जहाँ तक ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है वहीं तक हमें पार्ट चाहिए। सिंपल, तो मैं 2.6 तक रहने देता हूँ। कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल साइज कर देना है। इसके बाद इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। तो हमारा वीडियो ये बैक में हो जाएंगे। सिंपल, तो सबसे पहले मैं ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करते हैं और क्रोमा की को हम इनेबल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाले वीडियो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने क्रोमा की को इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद वीडियो को हमें आगे की तरफ लेकर आना है। इसके बाद 7.9 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। फिर से यहाँ पे आपको सेकेंड वाले वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले सेकेंड वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कुछ आगे की तरफ करना है और जहाँ जहाँ आपको ब्लैक कलर दिख रहा है सिर्फ वहीं तक आपको पार्ट चाहिए। सिंपल, तो यहाँ पे 9.3 तक रहने देना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो सबसे पहले मैं इसे कैची के निशान पे क्लिक करता हूँ और ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल साइज कर देना है। फिर से वीडियो पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद वीडियो को फिर से आगे की तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको फिर से ब्लैक दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 10.5 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपको थर्ड वीडियो को लेकर आ जाना है। तो मैं थर्ड वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जहाँ पे आपको सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो सिर्फ वहीं तक का सीन चाहिए। तो हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे 10.5 पे आना है और इसे आपको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल साइज में कर देना है। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाता है। आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लेयर को जूम कर लेता हूँ। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो मैं तीनों में से, तो मैं यहाँ पे सारे वीडियो का ओरिजिनल साउंड म्यूट कर देता हूँ। जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है इस वीडियो में से आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा वीडियो देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ये वीडियो टिकटॉक पे फिलहाल में टिकटॉक पे वायरल हुआ है। इस तरह के आप वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है।
शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एच डी 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।